हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोनू ग्रेड एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सामान्य कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है जो आज के ज़माने में सभी को आना चाहिए, क्योंकि आज कंप्यूटर का ही ज़माना है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो रेलवे NTPC ग्रुप डी पुलिस पुलिस की और SSC की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि 10 वर्षों में बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, आज के अपने सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में जो इसने सर्वाधिक योगदान दिया विकास में, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, वान न्यूमोन। क्वेश्चन नंबर 3। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो दोस्तों, किसने सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था जो भविष्य के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ था, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 4। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की, दोस्तों जो अपन देख रहे हैं उस कंप्यूटर की या आधुनिक कंप्यूटर की जब खोज हुई थी, वो कब हुई थी? 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर। दोस्तों, हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसको हम छू सकते हो, क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते हो, क्या होता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को छू सकते हैं तो क्या हो गया अपना? हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? तो दोस्तों, क्या हो गई अपना? सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाती है? कंप्यूटर को जो नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? CPU। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन, दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन कंप्यूटर के सभी चीज को नियंत्रित करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा? CPU, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रेटर सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो दोस्तों, इंटीग्रेटर सर्किट आता है उसका विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, JS Kilby ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेटर सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो IC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटर सर्किट चिप, है ना, तो इस पर किसकी परत होती है दोस्तों? सिलिकॉन की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क होती है उस पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में जो शब्द लिखते हैं उसकी लंबाई किस में नापते हैं दोस्तों? बिट में, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है बिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट से क्या नापते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता या कंप्यूटर की स्मृति क्षमता? तो दोस्तों, मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, ऑप्शन नंबर डी नापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। मेगाबाइट में मापते हैं, तो दोस्तों ये वापस आ गया क्वेश्चन। तो मेगाबाइट में मैंने बताया था कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई, दोस्तों जो स्टोरेज करते हैं उसकी क्षमता की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। 1024 बाइट बराबर है, तो दोस्तों 1024 बाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर डी, 1 KB। और 1 KB किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 MB के बराबर। और 1 MB किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 GB के बराबर। और 1 GB किसके बराबर होता है? 1 TB के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? दोस्तों जो बग आता है वो क्या होता है? एरर, एरर आप समझते हो सब, जो अपने गलती होती है उसको बग बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में। और क्वेश्चन नंबर 19। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों मेमोरी आप सभी ने देखा होगा अपने मोबाइल में, तो मेमोरी किससे है? स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें अपन गाना भी स्टोरेज कर सकते हैं, कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं, तो क्या मेमोरी किससे संबंधित है? स्टोरेज से।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, पीसी का अर्थ है। दोस्तों पीसी का क्या अर्थ होता है? पर्सनल कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो अपना आंसर क्या आ गया? सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों अभी का कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए, गणना के सिद्धांत पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक तेज़ गति का प्रिंटर है। दोस्तों जो प्रिंटर होता है, जो फोटोकॉपी करता है, उसमें सर्वाधिक तेज़ गति से जो प्रिंटर होता है ना, वो कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? मतलब सुपर कंप्यूटर जो दूसरे होते हैं उसकी तुलना में कैसे अलग होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, परिकलन क्षमता एवं वर्त स्मृति भंडारण से अलग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो आधुनिक कंप्यूटर है उसमें कौन सी पद्धति चलती है? द्विआधारी अंक पद्धति, 0 और 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा? तो सबसे पहली वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? दोस्तों वैज्ञानिक क्षेत्र में उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? दोस्तों ये सवाल पिछले पीछे भी आ गया, तो कौन सी है? विज्ञान के लिए उपयोगी है फोर्ट्रन भाषा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों जो कोबोल भाषा है कंप्यूटर की, वो किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 भी यही है, तो कौन सी भाषा हो? कोबोल भाषा, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा? दोस्तों प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई थी कौन सी भाषा? वैज्ञानिक भाषा। क्या नाम उसका? फोर्ट्रन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा तो कौन सी? दोस्तों कोबोल भाषा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? तो दोस्तों कौन सी भाषा हो? कोबोल भाषा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, फोर्ट्रन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किन भाषा को नींव का पत्र कहा जाता है? तो दोस्तों कौन सी भाषा जिसको नींव का पत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बेसिक भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वैज्ञानिक के लिए भी मैंने पिछले भी बताया था कि ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रन भाषा जो विज्ञान के लिए बनी है, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? दोस्तों मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? तो दोस्तों कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रो सिस्टम, जो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर है वो अधिकतर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, ऑप्शन नंबर ए, जो कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर ग्रिड होता है? कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं वो कंप्यूटर ग्रिड होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, ओरकेल है? ओरकेल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। 42, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? इनमें से सभी शब्द संचालन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में पासवर्ड वो किसकी सुरक्षा करता है? तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता, तो कौन होता दोस्तों जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से डाटा अंतरित करता है, मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, तो दोस्तों वो कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, जो प्रोग्राम आता है कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो दोस्तों विश्व में जो सर्वाधिक कंप्यूटर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 48, एक बाइट में होते हैं, तो दोस्तों एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आज का अपना लास्ट सवाल है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो कौन सा होता, आइनिक, कौन सा कंप्यूटर है, आइनिक, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार सवाल लाता रहूँगा जो तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पहुँचे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।